नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद कुमार जोशी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल HN के रिएक्शन में। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे वीडियो देखते हैं, लेकिन कम नसीबी की बात यह है कि हमारे वीडियो पर कोई लाइक ज़्यादा नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। कृपया मेहरबानी करके अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से हमको काम करने में बहुत उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, आनंद मिलता है। आपके लिए नए नए वीडियो बनाने में हमको बहुत उत्साह मिलता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज का वीडियो एक बहुत मज़ेदार वीडियो है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कोई काम करता है, कोई ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, तब उसको अभिमान आ जाता है। तो अभिमान आ गया तो समझ लो उसका विनाश निश्चित है। आपको पता है कि रावण को भी अभिमान आ गया था, तो रावण को भगवान राम ने नष्ट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको अभिमान आता है तो हमेशा आपका पतन निश्चित है। आज का वीडियो ही एक ऐसे है आज, लेकिन एक पुराण का वीडियो है, धार्मिक पुराण का एक वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये नया वीडियो। सुदर्शन चक्र धार्मिक पुराणों के अनुसार सबसे विनाशक हथियारों में से एक है। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियां पुराणों में मिलती हैं। श्री कृष्ण ने पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान विष्णु के पास से यह चक्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण में वर्णित है कि यह चक्र किसी भी खोई वस्तु को खोज लाने में सक्षम था। वहीं इसे सबसे अधिक विध्वंसक भी माना जाता था। इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्रोधित होने पर दुर्जनों के संहार के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर अभिमान हुआ? उन्होंने हनुमान जी को भी रोकने की कोशिश की, क्या परिणाम हुआ आइए जानते हैं इस वीडियो में। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बोले जय बजरंगबली। तो धार्मिक कहानी इस प्रकार थी। एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पे विराजमान थे और उनके निकट ही गरुण और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग पूर्ण लहजे में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था, सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले गरुण ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है, लेकिन प्रभु की लीला तो अद्भुत है। तो श्री कृष्ण मन मन मुस्कुराए ये सोचने लगे कि कैसे इन तीनों के अभिमान को नष्ट किया जाए। तब भगवान ने फैसला लिया और गरुण से बोले कि गरुण, हनुमान को बुला लाओ, उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुण भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए उड़ चले। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश ना करने पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान, और भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुण ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं, आपको बुला लाने की आज्ञा है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूं। गरुण ने मन ही मन विचार किया कि हनुमान जी तो वृद्ध हो चले हैं, ये कैसे जल्दी पहुंचेंगे। जिसके बाद हनुमान जी के कहने पर गरुण द्वारका के लिए उड़ चले, लेकिन जैसे ही वो महल में दाखिल हुए गरुण के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान विराजमान थे जो उनसे पहले ही महल में पहुंच गए। यह देखकर गरुण का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर पाए, क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। उसके बाद हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से क्या मुझे कोई रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसे इसलिए मुंह में रख मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में बजरंग बली ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं,
लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वे आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। और ये सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुण तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। अद्भुत लीला है प्रभु की। इतना ही नहीं, बजरंग बली ने बहुत से लोगों का घमंड तोड़ा है, इसलिए हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई और हमसे ज्यादा बलशाली या बेहतर हो सकता है। सच्चे बजरंग बली के भक्त बस भक्ति और समाज सेवा के साथ साथ धन की रक्षा करते हैं, उस पर अभिमान नहीं। तो बोलो जय श्री राम। हम ऐसी और कथाएं आपके समक्ष लाते रहेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, आपने देखा कि भगवान किसी का भी अभिमान कैसे तोड़ देते हैं। दुनिया में एक से बढ़कर एक है, लेकिन इसीलिए हमको अपने किए पे कभी गर्व अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान एक अहंकार होता है, अहंकार विनाश का रूप होता है। इस कथा में आपने देखा कि सुदर्शन चक्र, सत्यभामा और गरुड़ तीनों को अभिमान आ गया था। गरुड़ को ऐसा लगता है कि मेरे मुझसे तेज कौन उड़ सकता है। सुदर्शन चक्र को अभिमान आ गया कि मेरे जैसा शक्तिशाली कौन है। और तीसरा था मतलब सत्यभामा, गरुड़, सत्यभामा और सुदर्शन चक्र। तो हनुमान जी ने तीनों का अभिमान चूर चूर कर दिया। हनुमान जी गरुड़ से पहले राम जी की सभा में आ गए और चक्र को मुंह में डालकर आ गए। जब भगवान ने पूछा कि भाई आपने किसी ने रोका नहीं, तो भगवान हनुमान जी महाराज ने चक्र मुंह में से डाल के बोला कि ये मुझे रोक रहा था। तो यहाँ सुदर्शन चक्र का अभिमान भी दूर हो गया। सीता माता की बाजू में जो बैठी थी उसको दासी बोल के सत्यभामा का अभिमान भी हनुमान जी ने तोड़ दिया, और गरुड़ को तो पहला ही अभिमान तोड़ दिया था। दोस्तों, भगवान किसी न किसी तरह का किसी भी अपने भक्त का अभिमान दूर कर देते हैं। वो कह पहले बोलते नहीं है, लेकिन वो समझ जाते हैं कि मेरे भक्त का अभिमान जाग उठा है, तो उसको कहीं भी परीक्षा लेके अपनी माया से उसका अभिमान और अहंकार दूर कर देते हैं। क्योंकि अगर अभिमान है तो भगवान आपके पास नहीं रहते हैं। अहंकार नहीं है, आपके पास एक निर्मल भाव है, तभी आप भगवान के पास रह सकते हैं। वरना आपके भगवान के पास नहीं रह सकते, और आपके पास भगवान भी नहीं आता है, आपके पास कोई भी नहीं आता। अगर आपके पास अभिमान है तो कोई भी आपके पास आजू बाजू भी कोई फर्केगा नहीं। कहने का मतलब है कि जीवन में गर्व करो, लेकिन अभिमान मत करना। अभिमान एक नाश का मूल है, अपने सत्यनाश का मूल है। आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करो जरूर कर देने का, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देने का। जय हिंद, जय भारत।